हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सेंसर ग्लास। आज हम आपको एक एडवांस स्ट्रक्चर बताने वाले जिसका इस्तेमाल डेली किया जाता है। के विचार से, जैसे वह यहाँ पर घर खरीदने के विचार से आया था, वह यहाँ पर मुझसे मिलने के विचार से आया है, कुछ इस तरह के सेंटेंस इंग्लिश में कैसे बोलते हैं, आइए इसका रूल एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। और वीडियो के लास्ट में हमेशा की तरह एक क्वेश्चन होगा जिसका रिप्लाई आपको इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। की विचार से, इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है विद अ व्यू टू। तो रूल होता है, सबसे पहले आप मेन सेंटेंस को लिखेंगे जो कोई भी टेंस में हो सकता है, इसके बाद आप इस्तेमाल करेंगे विद अ व्यू टू, इसके बाद आप वर्ब का फोर्थ फॉर्म मतलब कि जेरंड का इस्तेमाल करेंगे, इसके बाद ऑब्जेक्ट को लिख देंगे। एक और बात, हमेशा टू के बाद भी वन नहीं होता है, जैसा कि हम आपको हर सेंटेंस में बताते हैं। अगर आपको जानना है कि टू के बाद जेरंड का इस्तेमाल कब होता है तो इस वीडियो के एंड स्क्रीन में आपको मेरा बनाया हुआ वीडियो मिल जाएगा। आइए कुछ एग्जाम्पल्स देते हैं ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाए। वो मेरी मदद करने के विचार से यहाँ आया था। He came here with a view to helping me. मैं कॉफ़ी पीने के विचार से वहाँ जा रहा हूँ। I am going there with a view to taking coffee. उसने यह मोबाइल फ़ोन बेचने के विचार से खरीदा है। He has bought this mobile phone with a view to selling. मैं तुमसे मिलने के विचार से नहीं आ रहा हूँ। I am not coming with a view to meeting you. वह मुझसे लड़ने के विचार से यहाँ आया है। He has come here with a view to fighting with me. एक सेंटेंस आपके लिए जिसका रिप्लाई आपको इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में करना है। वो तुमसे शादी करने के विचार से यहाँ आ रही है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमारी मुलाकात फिर होगी एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।